क्या प्यार करना कोई गलत होता है क्या? किसी उन्होंने प्यार किया नहीं, ये कौन सी प्यार है? जो पढ़ा लिखा के SDM बना दिया तो प्यार हो गया है दूसरे से, ऐसा थोड़ी नहीं है। इसको प्यार थोड़ी ना कहते हैं, इसको घर बर्बाद करना कहते हैं। जो DM SDM बन चुकी है इसके लिए गलत है, इसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं कि अगर वो SDM होके अगर इतना घटिया काम कर सकती है तो दूसरे को, आम जनता को क्या न्याय दिलाएंगी। ज्योति मौर्य जी भी दोषी हैं और मनीष दुबे जी भी दोषी हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, ये ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के प्रकरण में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप भी एक महिला हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। ये सब ये जो प्रकरण चल रहा है SDM ज्योति मौर्य वाला, किसको गलत पा रही हैं आप? बिल्कुल गलत तो ज्योति मौर्य जी हैं। अच्छा, बिल्कुल उनको पूरा समाज गलत कर रहा है, कह रहा है और गलत हैं, गलत की हैं जी। यानी कैसे लगता है आपको उन्होंने गलत किया? अब जिसे अब इस पोस्ट पे आके अपने हस्बैंड को छोड़ देना है तो गलत ही बात है ना। क्या प्यार करना कोई गलत होता है क्या? किसी उन्होंने प्यार किया नहीं, ये कौन सी प्यार है? जो पढ़ा लिखा के SDM बना दिया तो प्यार हो गया है दूसरे से, ऐसा थोड़ी नहीं है। इसको प्यार थोड़ी ना कहते हैं, इसको घर बर्बाद करना कहते हैं। अक्सर तो ऐसा समाज में भी देखने में आता है कि कोई पति जो है नौकरी बढ़िया पा गया, ISPCS बन गया, जो गाँव की महिलाएं उसको छोड़ के दूसरे से प्यार करने लगता है, वो ठीक है, ज्योति ने किया तो गलत है? नहीं, सब चीजें गलत है। जो जिसे ज्योति ने जो DM SDM बन चुकी है इसके लिए गलत है, इसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं कि अगर वो SDM होके अगर इतना घटिया काम कर सकती है तो दूसरे को, आम जनता को क्या न्याय दिलाएंगी। इसके लिए लोग गलत उनको बोल रहे हैं। और तो बाकी बहुत डेली तलाक हो रही है, डेली हर मतलब कोई चार बच्चे की माँ भाग जा रही, कोई पांच बच्चे का बाप भाग जा रहा है, बुढ़ा हो जा रहा है, शादी कर ले रहा है, तो डेली हो रहा है। यानी आपका कहना यह है कि समाज को जो दिशा दिखा सकते हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो पोस्ट उनका ऐसा है जो लोग आवाज उठा रहे हैं, नहीं तो आम जनता होती तो अब तक कोई नहीं आवाज उठाता, कौन जानता उनको। 90% लोग ऐसे होंगे जो ज्योति मौर्य को ही दोषी मान रहे हैं। बिल्कुल, ज्योति मौर्य जी भी दोषी हैं और मनीष दुबे जी भी दोषी हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बेटी पढ़ाइए बहू को मत पढ़ाइए, उस पे क्या कहना है आपका? गलत चीज है, बेटी क्यों पढ़ाएं और बहू ना पढ़ाएं? बेटी भी तो किसी को बहू जाके बन रही है। बेटी कब पे इतना गर्व है, बहू पे नहीं गर्व है? और बेटी अपने घर पे माँ बाप, ज्योति मौर्य भी तो किसी की बेटी थी, बाप पढ़ा दिया तो बहुत इज्जत कर दी क्या ससुराल में आके? तो बेटी बहू में ये क्या है? बेटी पढ़ाओ बहू दोनों को मत पढ़ाओ, बैठाओ घर में चूल बर्तन करवाओ। आपके पति ने आपको जो थोड़ा सा रास्ता दिखाया, आप आगे बढ़े, उनका सहयोग रहा है, तो अभी आप भी इस तरह करने लगेंगे फिर समाज में कैसे जाएगा? इस तरह लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मैसेज दी? नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही तो मैं बोल रही हूँ कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, ऐसा थोड़ी ना है। हम भी तो किसी के बेटी थे और कहीं आके बहू बने हैं, हम भी तो किसी की बेटी हैं। और हमारा अगर पति सपोर्ट नहीं करता, हम भी तो गायिका शुरू से बचपन से थे, क्यों नहीं अब तक गायिका बन गई होती? तो कि हमारे हस्बैंड का सपोर्ट था तभी ना तो हम यहाँ आज आपके सामने बैठे हैं। अब तक क्यों नहीं हमें कोई पहचाना? ज्योति मौर्य को अब तक क्यों नहीं पहचाना? जब उनके बाप पढ़ा रहे थे तब क्यों नहीं पहचाना कोई? काफी गुस्सा है आपको ज्योति मौर्य को पर? क्योंकि गुस्से में कह रही हैं, सवाल ही ऐसा कर रहे हैं तो जवाब ऐसे ही मिलेंगे ना। अच्छा, मनीष दुबे के लिए कुछ कहेंगे? मनीष दुबे के लिए क्या बोले? उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको भी अपना परिवार, वो भी परिवार अपना बर्बाद कर दिए। और कौन सा मनीष दुबे जी बहुत अच्छा काम किए हैं, उनसे भी आप लोग सवाल करिए, उनके भी घर जाइए और उनसे भी सवाल करिए आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं। सिर्फ ज्योति मौर्य को नहीं करना चाहिए, दोनों का गलती है। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य कहाँ मीडिया को मिल रहे हैं, सब गायब है, कोई मिल रहा है? मिलेंगे तो मीडिया वाले तो पूछ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर वो सही हैं तो बिल्कुल सामने आए ज्योति मौर्य जी, मनीष दुबे जी। आप ब्राह्मण हैं और मनीष दुबे भी हैं, तो इससे ब्राह्मण समाज किस तरह देख रहा है, क्या चर्चा चल रही है? ब्राह्मण है और ब्राह्मण वो भी है, इसका माने बहुत ब्राह्मण है, बहुत गलत गलत काम कर रहे, तो मैं ऐसा ब्राह्मणों का ठेका लेके यहाँ नहीं बैठी हूँ। तो यहाँ हम अपना, हम कैसे हैं वो हम अपना बता रहे हैं, हम अच्छे हैं और बाकी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं मुझे नहीं। देखो इसमें ब्राह्मण वाली बात नहीं, कुछ ब्राह्मण खराब होते हैं, कुछ ब्राह्मण सही होते हैं, सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता। जैसे मैं प्रधान जी को प्रगित गई, तो सब प्रधान एक जैसे नहीं है, बहुत प्रधान है अच्छा काम करते हैं,
तो बहुत प्रधान है कि अपना ही सोच भला सोचते हैं कि इस बार जीते हैं तो अपना घर बनवा ले, अगले बार पता नहीं जीते कि ना जीते। नहीं, मेरे कहने का सही था ना कि जैसे ब्राह्मण एक कहते हैं कि पहले से ही पढ़ी लिखी जाति होती है, उच्च जाति में आते हैं, जो समाज में लोग आदर्श मानते हैं कि ब्राह्मण इस तरह करता है, मतलब वो चीजें नहीं रहेंगे, पहले लोग इस तरह करते थे। तो यदि एक ब्राह्मण को होके इस तरह करेंगे तो वो क्या समाज के लोग क्या चर्चा करते हैं उनके बारे में, ये मैं नहीं, तो वो गलत ही प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि सही है, गलत ही है, जो भी है तो गलत, मतलब वो तो गलत करे ही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तभी गलत किए हैं, और बाकी और ब्राह्मण हैं सब लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि गलत करते हैं और कुछ लोग से हमें नहीं, जो समाज में जैसे ऊंचा जाना जाने लगा, जैसे हम जाने हैं, मतलब लोग, आप लोग जान रहे हैं, जनता मुझे जान रही है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग मेरे पे आवाज़ उठाएंगे। गलत नहीं करना था, गलत नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल। देखिए हमारे साथ वंदना दुबे थी, इनसे कई मुद्दे पे बात हुई। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।